क्राइम विद समीना पीरजादा में मेरी आज की मेहमान है सना मीर। आप जानते हैं वो एक क्रिकेटर है, कैप्टन रही है हमारी विमेंस क्रिकेट टीम की। मुझे वो सारी बच्चियाँ अच्छी लगती हैं जो अपने घर से निकलकर मेहनत करती हैं और अपना नाम बनाती हैं। ये पूरी कायनात हमारी है, हम जो चाहे कर सकते हैं, इसलिए आइए मिलते हैं सना मीर से। थैंक यू सो मच सना फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू। क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं जी आजकल तो अपने रिहैब पे काम कर रही हूँ। आई गॉट अ नी इंजरी तो उसकी रिहैब कर रही हूँ आजकल। है ये क्या हो रहा है, सारे क्रिकेटर्स जो है चोटें लगती जा रही हैं। बिल्कुल जी। तो टीम का क्या बनेगा? इट्स काफ़ी विग्रेस स्पोर्ट है, आपको फिजिकली काफ़ी ज़्यादा इसमें एग्जर्ट करना पड़ता है, तो फिर आपको साथ साथ अपनी बॉडी का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो क्या क्या खास क्या, क्योंकि खास डाइट होती है, खास रेजिमेन है? हाँ जी, डाइट भी होती है, प्रोटीन्स ज़्यादा हो जाती हैं जब आपको मसल बिल्डअप करना होता है, और दो से तीन सेशंस होते हैं हर रोज़ फिटनेस के, तो आजकल उसी के ऊपर काम कर रहे हैं आस्ते आस्ते। ग्रेजुअली इट्स लाइक यू अनलर्न हाउ टू वॉक, तो उसको दोबारा से बिल्कुल ज़ीरो से आप शुरू करते हैं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ के लिए तो उतना मुश्किल नहीं होता, बट हाई स्पीड रनिंग के लिए, हाई लेवल पर काम करने के लिए, फिर आपका थोड़ा सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर इट बिकम्स वेरी बिग। थोड़ा सा रिवाइंड करें, बचपन की तरफ जाते हैं, कितने बहन भाई हो? हम लोग जी तीन बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे लाडली हो? जी सबसे लाडली। और शरारती भी? बहुत। डांट पड़ती थी या भाई को आगे कर देती थी? नहीं, काफ़ी चलाक भी थी तो डांट दूसरों को पड़ जाती। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा भाई है, उसके साथ ही मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की स्ट्रीट्स में। उस टाइम पर तो लड़कियों की या इवन ग्राउंड्स भी इतने अवेलेबल नहीं थे जहाँ पे मेरे अब्बू की पोस्टिंग रही है, तो फिर हम गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलनी शुरू की। उसके बाद बहन है वो मैरिड है अभी, और फिर सबसे छोटी। अच्छा, तो आपकी टीम होती थी तीनों की, और कजन्स भी होते थे टीम के अंदर? हाँ जी, कजन्स होते थे, फिर अब्बू की पोस्टिंग, अब्बू आर्मी में थे। अच्छा। तो अब्बू की जहाँ पोस्टिंग होती थी तो फिर हर शहर नए दोस्त बनते थे, हर शहर में जाके नए दोस्त, नई टीम। और पहली मेमोरी क्या याद है, पहली क्या चीज़ याद है? पहली मेमोरी ये याद है, मैं हर से गिलगित में थे, आई वॉज वेरी लिटिल, थ्री एंड हाफ, तो मुझे याद है मैंने तब बैट उठाया था पहली दफ़ा, जो द फर्स्ट टाइम आई लिफ्टेड अ बैट। लेकिन प्रॉपर खेलना मैंने पिंडी में शुरू किया, चकलाला स्कीम थ्री में हम लोग होते थे वहाँ पर। क्यों खेलना क्यों शुरू किया? व्हाई नॉट साइकिलिंग, व्हाई नॉट प्लेइंग विद द डॉल्स? साइकिलिंग तो घर बनाना वो भी खेला है, एक्सपीरियंस सब किया है, थोड़ा बहुत डॉल से खेला, इंटरेस्टेड नहीं थी, फिर साइकिलिंग की उसमें इंटरेस्टेड थी। खाना पकाया? खाना आप पका लेती हूँ थोड़ा बहुत। पहले नहीं पकाया? नहीं पहले नहीं, जो चीज़ें एक्सपीरियंस की वो ज़्यादा फिजिकल साइड पर थी। अच्छा। मेरे क्योंकि अब्बू आर्मी में थे, फिर काफ़ी कजन्स भी आर्मी में थे, तो उनको जब वहाँ पे मुश्किल एक्सरसाइजेस करवाते थे तो वो आके हम बच्चों को भी जब संभालना होता था तो वो हम लोगों को उसमें लगा देते थे कि फ्रंट रोल्स करो, ये करो, तो मैं सारे लड़कों के साथ सबसे आगे होती थी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी मुझे पसंद थी शुरू से। तो कराटे भी किया, जिमनास्टिक भी की, बास्केटबॉल भी खेली, स्विमिंग भी की, तो तकरीबन हर स्पोर्ट का जो है वो टेस्ट किया था। तो अम्मी ने नहीं कभी कहा कि ये क्या करती फिर रही हो? नहीं, ना अम्मी ने ना अब्बू ने, हमेशा बहुत सपोर्ट किया अम्मी। Really? Oh, that's so nice. ऐसा होता नहीं है ना दरअसल। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट सेंस कि अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा, भाई सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरी स्पोर्ट्स को लेके। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, स्कूल में भी एक आध स्पोर्ट होती थी और कॉलेज में क्रिकेट थी नहीं, तो उस लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, पर फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की वजह से आई वॉज एबल टू कीप माई सेल्फ फिट। इवन अगर मैं क्रिकेट नहीं भी खेल रही होती थी तो आई वॉज एबल टू डू सम अदर स्पोर्ट, तो उसमें हमेशा हेल्प मिली फैमिली की तरफ से, और स्ट्रक्चर्स ना होने के बावजूद भी फिर एटलीस्ट हम लोग उस टाइम पर कुछ ना कुछ खेल लेते थे डिफरेंट गेम्स। क्या क्या खेलते थे? मैंने कॉलेज में अपनी कॉलेज को DHA जो कॉलेज था मैं कराची में, उसमें मैंने स्विमिंग में रिप्रेजेंट किया है, लॉन टेनिस में रिप्रेजेंट किया है, टेबल टेनिस में, बास्केटबॉल में, तो जो भी स्पोर्ट होती थी मैं सबसे पहले उस स्पोर्ट में होती। कभी डांट पड़ी है अम्मी से किसी बात पर? बहुत डांटे तो बहुत पड़ी है, सपोर्टिव होना एक अलग बात है। अच्छा। डांट तो बहुत पड़ी है, क्योंकि हम खेलते थे गली में तो अक्सर लोगों के घर में बॉल चले जाता था और शीशे तोड़े थे, शीशे एक आंटी के घर का शीशा भी तोड़ा था,
और तो फिर उसमें ये होता था एट टाइम्स के लड़के जब जाते थे तो उनको ज़्यादा डांट पड़ती थी, दोपहर का अगर टाइम और लोग सो रहे होते थे 2-3 बजे तो उनको बहुत डांट पड़ती थी, तो सारे लड़के मुझे आगे कर देते थे कि तुम चली जाओ, तुम्हें डांट नहीं, इतना नहीं डांटेंगे, तो अक्सर यही होता था। तो फिर कभी कभी अम्मी अब्बू को शिकायत आ जाती थी किसी के वो थोड़े से फूल टूट गए, क्यारी गए या कुछ इस टाइप की चीज़ हो गई, तो थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी पर क्रिकेट के लिए बर्दाश्त कर लेते थे। कोई ऐसी चीज़ थी जो बहुत ख़ास थी, ख़ास पूंजी जैसे कहते हैं ना बचपन की, जैसे कोई डॉल या इट वाज अ बैट? नहीं, आई थिंक अ स्टफ्ड टॉय माय ग्रैंडमदर गिव मी, मेरी दादी, तो वो तकरीबन 10 साल मेरे पास रहा था, तो दैट वाज क्वाइट स्पेशल। तो वो क्या दैट स्टफ्ड टॉय साथ सोता था? साथ सोता था। बातें भी करते थे आप? बातें पता नहीं, याद नहीं कि करती थी, पर सोता साथ था वो मेरे, और काफी दफा अम्मी ने उसको फिर ठीक करने की कोशिश की क्योंकि मैं उसको फेंकने भी नहीं देती थी, तो वो काफी एक स्पेशल था। कहानियां पढ़ती थी? बुक्स का शौक मुझे ज़्यादा आया है क्रिकेट के बाद, क्योंकि पहले पढ़ाई ऐसी थी, साइंसेस थे मेरे पास, प्री इंजीनियरिंग में गई, इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, फिर छोड़ दिया उसको क्योंकि क्रिकेट मुश्किल थी, तो उस टाइम पर तो अलहदा से मुझे बुक्स पढ़ने का शौक नहीं, मतलब डेवलप नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे फारिग टाइम मिलता था पढ़ाई से तो मैं क्रिकेट की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ चली जाती थी। लेकिन फिर जब कुछ अर्सा तो इंजीनियरिंग कैसे सोचा कि मैं पढ़ूँ इंजीनियरिंग? मुझे मैथ्स, आई यूज्ड टू लव मैथ्स एंड साइंसेस, आई लव्ड साइंसेस। सो डॉक्टर बनते? नहीं, बायो का मुझे, बायो में भी इंटरेस्ट था बट आई यूज्ड टू लव मैथ्स, तो पाकिस्तान में कोई ऐसी डिग्री नहीं थी जिसके अंदर मैथ्स और बायो को इकट्ठा किया जाता, तो आई डिड नॉट वांट टू गिव अप मैथ्स, आई लव्ड नंबर्स, तो वो उसकी वजह से फिर मैं प्री इंजीनियरिंग की साइड पर गई। तो उस टाइम पर फिर जब भी फारिग टाइम होता था तो आई वुड गो आउट फॉर साइकिलिंग या हाइकिंग पर चले गए फ्रेंड्स के साथ या कोई स्पोर्ट खेल, तो उस वक्त बुक्स का शौक नहीं था। मुझे उम्मीद है आप लोग रिवाइंड विद समीना पीरजादा को खूब एंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर सब्सक्राइब करें ना जल्दी से बहुत सारा। उस वक्त तो कुछ नहीं पता था, इट वाज जस्ट अ ब्लाइंड लीप, मतलब मैंने एक जंप ऐसे लिया था, बिकॉज हुआ ये था कि मैं काफी 2 महीने तो मैं स्ट्रगल करती थी। कैसा था वो डिसीजन? Who made it? माय फादर हेल्प मी मेड इट। बेसिकली आई वेंट इन टू नस्ट जो कराची वाला PNEC है, आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई क्लास, तो मैं काफ़ी बोर भी हो रही थी एक तो कॉलेज में, जब बड़ी मुश्किल से मैं गई उसमें, ऑब्वियसली नस्ट की मेरिट सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, प्री इंजीनियरिंग की अच्छे मार्क्स लिए, तो काफ़ी टीचर्स नाराज़ थे, मेरी खाला बहुत नाराज़ थी कि तुम क्या इंजीनियरिंग छोड़ रही हो ये सब, उस वक्त मैं सिलेक्शन भी नहीं थी। नहीं, मगर छोड़ना क्यों पड़ा, साथ क्यों नहीं हो सकता उसमें? क्योंकि उस टाइम पर जिस वक्त मैंने शुरू की तो वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम था और वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि आप किसी, एक तो वुमेंस क्रिकेट इतनी पॉपुलर नहीं थी, किसी को पता नहीं था वुमेंस क्रिकेट में कुछ स्कोप है कि नहीं, दिस इज अबाउट 2004-2005 में। क्रिकेट को बना सकते हैं अपना करियर? उस वक्त तो कुछ नहीं पता था, इट वॉज जस्ट अ ब्लाइंड लीप, मतलब मैंने एक जंप ऐसे लिया था, बिकॉज हुआ ये था कि मैं काफ़ी 2 महीने तो मैं स्ट्रगल करती थी कि डिसीजन लूँ ना रूँ, काफ़ी इमोशनल होकर यूनिवर्सिटी जाती थी वापस आती थी, बिकॉज समथिंग इनसाइड मी वाज सेइंग कि भाई ये काम तुमने, मतलब सुबह से सुबह 9 to 5 अगर आपने पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, और वो आपके इंटरेस्ट की भी नहीं है, उस तरह से इंटरेस्ट की नहीं है कि मेरा पैशन था, पैशन मेरा स्पोर्ट्स था, तो मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो अब्बू मुझे जाते थे ड्रॉप करने अपने ऑफिस के रास्ते में, ही यूज्ड टू ड्रॉप मी एंड पिक मी अप, तो वो देखते थे कि मैं डिस्टर्ब हूँ। कैसे चुप हो गई थी? चुप भी हो गई थी, मैं डिस्कस भी करती थी, मैं अम्मी अब्बू के साथ बहुत क्लोज हूँ शुरू से, तो उनको ये चीज़ समझ आ गई थी। फिर जब 2 महीने वहाँ पे गुजर गए, पढ़ाई ठीक जा रही थी मेरी, सब कुछ था ठीक, लेकिन फिर मैंने अब्बू से बात की तो उन्होंने कहा वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ फीमेल इंजीनियर्स बट वी डू नॉट हैव फीमेल क्रिकेटर्स, तो तुम करो, तुम ट्राई करो इसको। तो बस फिर मैंने, 1 अप्रैल था जब मैं अपनी क्लियरेंस ले रही थी नस्ट में, तो मेरे क्लास फेलो सारे समझ रहे थे कि हमें अप्रैल फूल बना रहे, तो सब मुझे मैसेजेस कर रहे कि तुम बना लो हमें, हम भी कल यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे ये वो, तो लेकिन एक्चुअली मेरा वो डिसीजन था। फिर उसके तकरीबन 1 साल के बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी टीम में, तो वो 1 साल जो था वो काफ़ी टफ था, इन द सेंस कि मैं वापस फिर अपने कॉलेज गई, कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया, DHA कॉलेज, उन्होंने मिड ईयर में मुझे ले लिया वापस, बिकॉज आई वॉज देयर गुड स्टूडेंट अपनी FSC में। तो बस फिर वहाँ पे गई दोबारा से, नई BSc स्टार्ट की, मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स लिया सब्जेक्ट्स, बिकॉज वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री इसलिए नहीं लिया कि उसके प्रैक्टिकल्स होते थे, तो क्रिकेट के साथ मैनेज करना, क्योंकि क्रिकेट में ये होता है कि आपको 1-1, 2-2 महीने के कैंप्स पे चले जाना पड़ता है, तो सेमेस्टर सिस्टम तो आप कर नहीं सकते उसमें, क्योंकि आपकी रोज़ क्विजेस पे मार्क्स होते हैं, तो उस ज़माने में इतना ज़्यादा। व्हेन यू जॉइंड कितनी पुरानी हो गई थी टीम?
ये 90s में बनी 95-96 में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनली. तो जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया ये पीसीबी के अंडर जो टीम आई है, इट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा पीसीबी के अंदर आई थी. उससे पहले पीडब्ल्यूसीसी था जो दो बहनें चलाती थी कराची में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था. फिर 2005 उन्होंने 10 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली. पर फिर 2004-2005 में आईसीसी ने एक डिसीजन लिया कि जितनी भी वुमेन बॉडीज़ हैं दुनिया में वो मर्ज हो जाएंगी मेल बॉडीज़ के अंदर. तो वो आईसीसी और आईडब्ल्यूसीसी का मर्जर हुआ. तो जब वो मर्जर हुआ तो ये अच्छा था या बुरा था? मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इस वक्त जो आपको वुमेन्स क्रिकेट की जो ग्रोथ नज़र आ रही है, अब एक इस तरह से इसको बनाया जा रहा है स्पोर्ट को, जैसे वुमेन टेनिस है कि मतलब उस एट पार लाया जा रहा है कि अब आपकी लीग शुरू हो गई हैं, आपकी ऑन एयर टेलीविजन पे प्रोग्राम होता. तो क्योंकि लड़कों का स्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस था, तो उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर वुमेन्स क्रिकेट यूज़ कर सकती है उसको. तो मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छा था, पर पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इसको और अच्छी तरह से मर्ज किया जा सकता था. मैं अभी भी ये समझती हूँ, क्योंकि उस मर्जर के दौरान काफ़ी जो सीनियर प्लेयर्स थे, क्योंकि उनका शुरू से कॉन्फ्लिक्ट था, दो ग्रुप्स थे पाकिस्तान के अंदर, तो एक ग्रुप पीसीबी के अंडर ऑलरेडी आ चुका था, दूसरा ग्रुप रिलक्टेंट था, तो उसमें वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. तो मेरे ख्याल से उसको और हम बेहतर कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त इतना किसी को पता नहीं था वुमेन्स क्रिकेट का. तो थोड़ा अरसा हमने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि बिल्कुल हमें स्क्रैच से एक दो प्लेयर्स पुराने आए थे, बाकी हमें टीम पूरी स्क्रैच से शुरू करनी पड़ी, जबकि दूसरे मुल्कों में जितने भी ममालिक थे उनमें सारे सीनियर प्लेयर्स आ ही गए थे आफ्टर, मतलब एक दो साल अगर उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहे भी, लेकिन एक दो साल के बाद एवरीवन केम अंडर वन अम्ब्रेला. हाउ टफ वाज इट? इट वाज रियली टफ. क्योंकि घर के दालान में क्रिकेट खेलना और स्ट्रीट पे क्रिकेट खेलना और प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना, आप यकीन करें दैट मस्ट बी सो टफ. हाँ जी, मेरी जो पहली हार्ड बॉल से मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की, उसके एक डेढ़ साल के बाद मैंने पाकिस्तान क्रिकेट शुरू कर दी थी, क्योंकि कोई स्टेप्स तो थे नहीं, ना कोई अंडर 19 थी, ना कोई स्कूल क्रिकेट थी, कुछ भी नहीं था. तो ऑलमोस्ट फ्रॉम द स्ट्रीट टू द इंटरनेशनल अरीना. तो डेफिनेटली बहुत कुछ हमने वहाँ जाके लर्न किया, क्योंकि उस सेंस में हम लोग बिल्कुल शुरू की टीम थी कि बहुत सी चीज़ें, हमारे पास सीनियर भी कोई नहीं था, जो सबसे बड़ा हम लोगों की ग्रोथ में मेरे ख्याल से फैक्टर था. मैं इसीलिए सीनियर्स को हमेशा समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका, और कोशिश की है कि हम अपने जूनियर्स के लिए वो कर सकें जो हम लोग लैक करते थे जब हम आए थे. तो क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी? देखिए, सबसे पहले तो एक हम ये समझते नहीं है किसी भी फील्ड में कि एक सीनियर का वहाँ पर होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से आप वो चीज़ें जो आप नॉर्मली 4-5 साल में लर्न करते हो, वो आपको मेरे ख्याल से 1-2 महीने में उन चीज़ों का, अगर आप यू आर पेइंग अटेंशन टू देयर एडवाइस, तो मेरे ख्याल से वो ग्रोथ आपकी एज एन इंडिविजुअल बहुत जल्दी हो जाती है. तो वो एक हमें टाइम बहुत लगा समझने के लिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है, हमें फिटनेस को कैसे लेके चलना है, हमें बैटिंग टेक्निक्स में टेक्टिकल साइड पर कैसे बॉलर्स को कैसे यूज़ करना है, फील्ड पोजीशंस की जो बात है, तो उस सब में हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा था इनिशियली. तो कभी डिफ़िकल्टी हुई, कभी सोचा कि छोड़ देती हूँ, मुश्किल? काफ़ी दफ़ा, कोई 2-3 दफ़ा मैं रिटायरमेंट देने का बिल्कुल प्लान था, लेकिन उसकी वजह ये थी कि पहले 5-6 साल तो हमने सिर्फ पैशन, अपने मुल्क के पैशन के लिए खेला था. उसमें ना कोई पैसा था, ना कोई फेम था, हमें ना कोई जानता था. वहाँ से 300 रुपीज़ पर डे में हम लोग पूरा दिन बस काम करते थे, पढ़ाइयाँ छोड़ दी थी, जॉब्स छोड़ दी थी. तो 2005 से लेकर 2011 तक हमने ऐसे ही खेला. तो हाउ डिड यू हैंडल दिस? इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग है. हाँ जी, तो इसमें यह था कि मैंने टाइम बहुत दिया अपना इस टीम को, इस लिहाज से कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा छोड़ना चाहती थी, बट दे वर गुड प्लेयर्स एंड आई कुड सी कि फ्यूचर है इसमें, मतलब हम थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो हम कुछ फ्यूचर बना लेंगे. तो उनको ऑन बोर्ड रखना कि वो कंटिन्यू करती रहें, वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑब्वियसली हर फैमिली इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती कि वो उस पर पैसा लगा सकें, बच्चों को भेज सकें. तो इनिशियली बहुत मुश्किल था. फिर 2010 में जब हमने गोल्ड मेडल जीता पहला एशियन गेम्स में, इट जस्ट टर्न्ड एवरीथिंग फॉर अस. फिर उसमें मैडम बुशरा एतज़ाज़, शीरिन जावेद थी, उन्होंने हमारे लिए बहुत वोकली बोला. फिर लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, और फिर वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर पेरेंट्स को भी इनकरेजमेंट मिली कि चलो अगर ये अपनी पढ़ाई छोड़ रही हैं या अपनी जॉब छोड़ रही हैं तो आगे इंसेंटिव भी कुछ मिले. तो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट शुरू हुई. मुझे उम्मीद है आप लोग रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा को खूब इंजॉय कर रहे होंगे. तो फिर सब्सक्राइब करें ना जल्दी से, बहुत सारा. और वुमेन्स क्रिकेट में पोटेंशियल भी बहुत है.
लड़कियों में बहुत जज्बा है खेलने का, चाहे वो गिलगित की लड़की हो चाहे वो क्वेटा की लड़की हो। और आप लोगों में से किसी भी प्लेयर को किसी ने नहीं हो जैसे वो कर लेते हैं ना स्पॉन्सर कर लेते हैं? स्पॉन्सरशिप बहुत कम आई है, बहुत है ना, जैसे मेल क्रिकेटर्स को तो हाँ जी सब बैंक्स भी स्पॉन्सर करते हैं और बहुत लोग करते जी। ZTPL जो है मेरा बैंक जिसको मैं पिछले 7-8 साल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो आ गया था PCB से पहले, वो 2009 में हम उनके एम्प्लॉयज हो गए थे वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल से थोड़ा अरसा पहले, और उसके बाद फिर PCB ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आए हैं बीच में, लेकिन इस वक्त सिर्फ दो ही रह गए हैं फिर वुमेन्स क्रिकेट में, क्योंकि उसकी एयरिंग का भी इशू है, थोड़ी सी मैनेजमेंट को और हमें बेहतर करना पड़ेगा ताकि डिपार्टमेंट्स आएँ और हमारे पास कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो कि हमने उसको कैसे लेके चलना है, उसको थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा, तो डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि पैसा तो बहुत है इन डिपार्टमेंट सबके पास और वुमेन्स क्रिकेट में पोटेंशियल भी बहुत है, लड़कियों में बहुत जज्बा है खेलने का, चाहे वो गिलगित की लड़की हो चाहे वो क्वेटा की लड़की हो, तो बहुत पोटेंशियल है, तो मेरे ख्याल से आना चाहिए और मजीद स्पॉन्सर्स को डिपार्टमेंट्स को। आप एबटाबाद में पैदा हुए? जी मैं पैदा एबटाबाद में। वहाँ रहे थे कुछ अरसा या वहाँ से जल्दी ही बाहर चले गए? जल्दी बाहर चले गए, तो 2 साल की थी मेरे ख्याल से अबू की गिलगित पोस्टिंग हो गई थी, तो मैंने एबटाबाद में ज़्यादातर अपनी समर वेकेशन गुजारी हैं, ईद हॉलीडेज गुजारी हैं, और अब क्योंकि अम्मी अबू चले गए एबटाबाद तो मैं चली जाती हूँ बीच में, जब भी मैं फारग टाइम होता है तो उनके पास। तो वहाँ तो वो तो बड़ा कंजर्वेटिव नहीं है वो शहर? कंजर्वेटिव कह सकते हैं लेकिन मुझे देखा पढ़ाई का जी लिटरेसी रेट तो वहाँ पे 100% है, और वहाँ पे ये कि हमने क्रिकेट खेली भी है वहाँ पर, जो उनका एबटाबाद स्टेडियम है वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ के लड़के कोचेस बहुत सपोर्टिव हैं, हम लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं, हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। पहला मैच वहाँ कब खेला था? पहला मैच एबटाबाद स्टेडियम में मेरे ख्याल से 2008 के क्वालिफायर्स के लिए हम जा रहे थे, तो वी स्टेड इन द स्टेडियम विच वॉज वेरी टफ, हमने 3 महीने पवेलियन में गुजारे, उसके अंदर ही हम ठहरते थे, उसी के अंदर हम खेलते थे, सुबह से शाम तक बस स्टेडियम में होते थे, तो विच वाज क्वाइट टफ एट द पॉइंट, पर हमने वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लिया तो फिर हम सारी थकन भूल गए, हमने कहा बस ठीक है, हमने जिस मकसद के लिए हमने वो टफ टाइम गुजारा था तो वो निकल गया। सो हाउ टफ इज इट किसी के अंडर खेलना या खुद कैप्टन बन के फिर खेलना? अगर तो चीज़ें सिस्टमैटिकली चल रही हों तो मेरे हाथ से दोनों चीज़ें बहुत ही इंजॉयबल हो सकती हैं, अगर आप मतलब जस्टिस हो रहा हो, अगर आपको लगे कि हर एक को ग्रोथ का मौका मिल रहा है और हर एक का पोटेंशियल यूज़ हो रहा है, तो मेरे हाथ से बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है, चाहे आप एज अ प्लेयर खेल रहे हो या एज अ क्रिकेटर एज अ कैप्टन खेल रहे हो, पर अगर ये सिस्टम्स थोड़े से ब्लरी हो जाएँ तो फिर ये बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस। तो आप सारी लड़कियाँ मिलकर अभी कितनी मेहनत कर रहे हो कि आपके सिस्टम सही हो और आपकी वही पोजीशन आ जाए जो लड़के एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में? उसमें जी प्लेयर्स के अलावा कोशिश तो हम कर रहे हैं, बात भी करते हैं, बोर्ड भी सपोर्ट कर रहा है, पर उसके लिए एक बहुत हमें डेप्थ की कन्विक्शन चाहिए कि फिर सारे डिपार्टमेंट्स हर कोई एक इस चीज़ को मान ले पूरी तरीके से कि वुमेन्स क्रिकेट जो है उसमें पोटेंशियल है और हम जब इसके ऊपर पैसा लगाएंगे तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड ही होते हैं, जब इसको ये नहीं देखते कि हम स्पोर्ट के थ्रू लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, हम स्पोर्ट्स के थ्रू इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हम स्पोर्ट्स के थ्रू 2 प्रोविंसेस को करीब कर सकते हैं, 2 मज़हब के लोगों को करीब कर सकते हैं, तो इस तरफ हम लोग नहीं देखते स्पोर्ट, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए कि जीतना है, कि टॉप 5 में टीम आ जाए, टॉप 6 में, जबकि हमारे मुल्क में सब वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है, तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स को अगर हम इस टूल के तौर पर देखें कि हम इससे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उन बच्चों को जो कि स्कूल्स नहीं जाते, बहुत से बच्चे बच्चियाँ इस फील्ड में उन घरों से आते हैं जिनको पता होता है कि यार हम उर्दू मीडियम में तो पढ़ के कहीं जा नहीं सकते, तो स्पोर्ट्स में शायद हम लोग कुछ कर जाएं तो एक्सेल कर जाएं, तो बहुत से बच्चे तो इस होप से आते हैं तो मेरे ख्याल से अगर हम उस सेक्टर को एजुकेट कर सकें स्पोर्ट्स के थ्रू, तो मेरे ख्याल से इतना पोटेंशियल है इसके अंदर कि हम बहुत सी लाइफ्स को टच कर सकते हैं। तो पर्सनली सना क्या करती है? पर्सनली मैंने तो पिछले 12 साल सिर्फ क्रिकेट किया है, और फिल्में नहीं देखती, म्यूज़िक सुनती है? नहीं म्यूज़िक सुनती? हाँ जी म्यूज़िक काफ़ी सुनती हूँ, पाकिस्तानी भी बहुत सुनती हूँ, और सूफी म्यूज़िक का शौक है मुझे काफ़ी, और ड्रामे भी देखती हूँ, आपके भी ड्रामे अच्छा? देख चुकी हूँ, और ड्रामे जब टाइम मिलता जब है तो नहीं जब 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 क्रिकेट नहीं होती दिमाग पे सवार तो क्या होता है?
क्रिकेट नहीं होती, फिर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उनकी उनसे बहुत दूर रहते हैं हम लोग, अक्सर टूर्स पे होते हैं, कैंप्स में होते हैं, तो फैमिली के साथ टाइम बहुत कम मिलता है. तो बस फिर यही कोशिश होती है कि जब टूर से वापस आ जाएं तो जब अपने करीबी लोग हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें. सना को मोहब्बत हुई क्रिकेट से? क्रिकेट से ही रही है मोहब्बत, और अपने मुल्क से बहुत रही है. तो एक्चुअली जो मेरा पूरा किसी बंदे को नहीं नोटिस किया, अब करना शुरू कर रही क्योंकि क्योंकि सर ये भी तो जरूरी है ना, बिल्कुल तो जिंदगी का एक बहुत बहुत जरूरी है. और जब आप ऑब्वियसली अब मैं सर्व पाकिस्तान फॉर 12 इयर्स, तो अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि एक ब्लिंक फनाए में सारा टाइम गुजर गया, क्योंकि इतना बिजी थे कि वुमेन्स क्रिकेट को कहीं पहुँचाना है. तो किसी ने परसों नहीं किया, किसी ने खत नहीं लिखे, किसी ने पीछा नहीं किया, गिफ्ट्स नहीं भेजे? एक दो लोगों ने किया, पर उस टाइम पर आई वाजंट रेडी. सो आई एम नॉट अ पर्सन जो कमिटमेंट ना कर सके और फिर रिलेशनशिप को कैरी करे, तो वो फिर उसी वक्त मैंने मना कर दिया था. तो दैट वाज इट, सिंपल. रिश्ते नहीं आए, अम्मी ने नहीं कहा कि शादी कर लो भाई? वो भी अम्मी अबू को भी मैंने बोला हुआ था कि भाई अभी तो मैं खेल रही हूँ, अभी आप लोग ना कंसीडर करें. आई लाइक दैट कि अभी तो मैं खेल रही हूँ, अभी तो मैं खेल रही हूँ. तो ये कि अम्मी अबू भी इस मामले में बहुत ज्यादा सपोर्टिव है. अगेन वेरी लकी गर्ल, आई एम अ वेरी लकी गर्ल, बिकॉज जो भी प्रेशर आई नो कि उन पे भी प्रेशर होता है. शादियों पे जाते हैं, कुछ अरसे मैंने शादियों पे जाना छोड़ दिया था, क्योंकि हर जब शादी पे जाते थे तो बताओ अब तुम्हारी कब हो रही है, तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी इस बात से कि भाई अभी तो मैं खेल रही हूँ. तो वो ऑब्वियसली वो अम्मी अब्बू ने प्रेशर काफ़ी हद तक. कभी कोई रिश्ता नहीं आया जैसे लोग आते हैं देखने? नहीं आए. आई फाइंड दिस सो अमेजिंग कि लोग आते हैं देखने. हाँ जी, वो एक दफ़ा आए थे तो मैंने काफ़ी उसमें बोंगियाँ मार दी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो रिश्ता देखने आ रहे हैं. तो इस तरह आ जाते हैं कभी कभी लोग. हाँ, मेरा भी एक दफ़ा रिश्ता आया था, मैंने उस बंदे को इतना डराया था. नहीं, मेरे में बंदा नहीं आया था, उसके पेरेंट्स वगैरह आए थे तो मुझे नहीं पता था. तो फिर मैंने उसमें वो कुछ था नहीं घर पे, तो मैंने कुछ खाना वाना सर्व करके और मैं चली गई, मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं की. बाद में पता चला तो अब्बू बस थोड़े एंग्री एट दैट टाइम कि भाई क्यों ऐसे आ गए, क्योंकि मेरे अब्बू को ये होता है कि प्रॉपरली पहले हमसे बात करते या कुछ. हाँ. होते तो फिर इसलिए ऐसा कोई ये कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव, बहुत प्रोटेक्टेड उन्होंने करके रखा है मुझे. जब तक मैं नहीं रेडी तो कोई प्रेशर नहीं, कोई दे आर नॉट पुशी एट ऑल. सो वेयर आर यू टुडे? आई एम इन अ वेरी गुड स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव डन इन लाइफ एंड आई लुक एट लाइफ इन अ वे के इंशाल्लाह आगे भी जो होगा वो बहुत बेहतर होगा. तो बहुत लंबी प्लानिंग कभी भी नहीं करती, यही कोशिश होती है कि डे बाय डे लाइफ को लेके चलें और हर दिन बेस्ट गुजारने की कोशिश करें. हैव यू दुनिया देखी है? कहाँ कहाँ गए हो खेलने? दुनिया तो काफ़ी देख ली है क्रिकेट की वजह से. ये बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि एक तो अपना शौक़ पूरा हुआ और उसके थ्रू भी बहुत सी चीज़ें. मुझे इतना कोई शौक़ नहीं था घूमने का पहले, पर अब जब देखी दुनिया तो और ज़्यादा शौक डिवेलप हुआ. तो तकरीबन सारी क्रिकेटिंग नेशंस में जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका. तो तकरीबन जिस भी जगह पर क्रिकेट खेली जाती है, कोरिया तक हमने जाके क्रिकेट खेली है, चाइना में जाके क्रिकेट खेली है. तो काफ़ी तो कैसा होता है माहौल जब इतनी सारी लड़कियाँ खेल रही होती हैं और साथ होती हैं और बहुत बहुत अरसे लंबे अरसे के लिए साथ होती हैं? बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है जी, क्योंकि सबसे तो मुझे ये थी कि सबसे पहले कंपेनियनशिप इस तरह से मिली कि जब भी कंटोनमेंट्स में मैं खेलती थी तो कोई भी लड़की नहीं होती थी. तो मुझे तो लगता था कि कोई लड़की होएगी नहीं पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेलती हो. तो जब मैं पीसीबी के अंडर आई 2005 में और इतनी लड़कियों को देखा कि यार सब क्रिकेट, मुझे अपना आप बहुत स्ट्रेंज लगता था बचपन में, क्योंकि सिर्फ मैं एक लड़की होती थी और बाकी सब लड़के होते थे. तो मुझे लगता था कि यार ये क्या, मतलब क्यों ऐसे है. तो फिर उसमें ये बहुत ज़बरदस्त हुआ कि मुझे बहुत से फ्रेंड्स मिले जो जिनकी इंटरेस्ट मेरे तरह के थे. तो हम लोगों की इनिशियली बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग है. मतलब लोग यूजुअली कहते हैं कि जी लड़कियाँ इकट्ठी होती हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं और ऐसी चीज़ होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था. क्योंकि हम लोग वी वर आई थिंक थर्स्टी फॉर हैविंग पीपल हु हैड द सेम इंटरेस्ट, कि सिर्फ फैशन की बात नहीं है, सिर्फ कपड़ों की बात नहीं, और भी कोई बात है कि इन स्विंग कैसे करना है, आउट स्विंग कैसे करना है, स्पिन ज़्यादा कैसे करना है, स्लिप पोजिशन में कहाँ खड़े होना है. तो इस टाइप की बातें हम और लड़कियों से नहीं कर सकते थे. तो वो एक बहुत ही यूनिक कनेक्शन था जो हम लोगों का उस तक उस तरह हुआ. तो हमने बहुत इन्जॉय किया इस पूरे टाइम को. सो डू यू हैव अ वुमन इंस्ट्रक्टर या वो मेल है? नहीं, मेल इंस्ट्रक्टर्स हैं. बीच में बात शुरू हुई थी कि वुमेन कोचेज होने चाहिए, बहुत लोगों ने इसका शोर मचाया था,
पर मेरे नज़दीक हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे. अच्छा, पाकिस्तान में अभी तक बहुत क्रिकेट खेली नहीं है किसी खातून ने. तो अगर आपने एलीट लेवल पर कोचिंग करवानी है पाकिस्तान लेवल पर, तो वहाँ पे ऐसे ही लोग होने चाहिए जिन्होंने वो प्रेशर हैंडल किया हो, वर्ल्ड कप्स में वो रहे हों. मर्द और औरत की नहीं है, बात मर्द और औरत की, बात क्वालिटी की है, क्वालिटी स्किल की है. हाँ, स्किल की. तो हाँ, उसको इनकरेज करने के लिए लड़कियों को आपको क्लब्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में वहाँ से शुरू करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए होती हैं कि अगर किसी लड़की ने दो कोर्सेज कर लिए हैं कोचिंग के, तो बस उसको अब आप ऊपर लगा दो. मैं उस मामले में नहीं हूँ. मेरा ये होता है कि स्किल होती है, उसमें लड़के लड़कियाँ जो बेहतर हैं वो आना चाहिए. तो हमारे मेल कोचेज रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, मेजॉरिटी बहुत अच्छे कोच रहे हैं. बीच में कुछ अच्छे नहीं भी थे, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे थे. और अभी रिसेंटली हम लोगों के न्यूजीलैंड से कोच थे मार्क, वो भी, उनके साथ भी बड़ा अच्छा काम करने को मिला. और जब बहुत डिमोरलाइज होते हो, फिर किस तरह अपने आप को दोबारा खड़ा करते हो? जब मैच हार जाते हो या किसी ने कुछ कह दिया, हम लोग कहते भी तो बहुत कुछ है ना सबको, बहुत ज्यादा. हाँ जी, क्योंकि हम लोग बहुत काफी इनजस्ट क्रिटिसिज्म रही है वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लोगों को इतना अंदाजा नहीं है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना लैक करते हैं. अभी एक भी ग्राउंड नहीं है, एक ही ग्राउंड है मॉडल टाउन में जो कभी हमारे पास अवेलेबल होता, कभी नहीं होता पूरे पाकिस्तान में, जो खाली लड़कियों के लिए, और या फिर एक दो स्कूल कॉलेजेस में जिन्होंने अपने ग्राउंड्स खुद मेंटेन किए. अदरवाइज जो क्रिकेटिंग फैसिलिटी है वो लड़कियों के लिए नहीं है. एक आम लड़की ग्राउंड में जाके रनिंग नहीं शुरू कर सकती. तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस वही होती हैं कि जब हम जाएं तो इस टाइप की क्रिकेट में. तो काफ़ी इसमें कभी कभी एट टाइम्स लोग पर्सनल अटैक्स भी कर देते हैं आपके ऊपर. तो मेरे ख्याल से उसके बाद स्ट्रेंथ मुझे जो मिलती है फैमिली से मिलती है और अपने फेथ से मिलती है कि अल्लाह ताला ने आज तक जो चीज़ें दी हैं वो भी. एट टाइम्स आपको पेशेंट रहना पड़ता है अपनी, अपने टाइम का इंतजार करने के लिए. तो वहाँ से फेथ बहुत ज़रूरी है. और आपस में आप लोग क्या, लड़कियाँ किस तरह एक दूसरे की मदद करती हैं? काउंसलिंग बहुत करते हैं, एक दूसरे का साथ बहुत देते हैं, क्योंकि एट टाइम्स ऐसे ही होता है कि कुछ चीज़ में से मैं गुजरी होती हूँ तो कोई नई लड़की उसमें से. मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सीनियर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें पहले लोग जो थे उनसे हम इंटरेक्ट ज़्यादा अरसा नहीं कर सके. बहुत थोड़ा सा लिमिटेड टाइम था जिसमें हमारी थोड़ी सी इंटरेक्शन रही, फिर वो लोग साथ नहीं चल सके और फिर हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हो गए. तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया जहाँ पर हम किसी से गाइडेंस ले सकते, क्योंकि लड़कों के साथ भी इंटरेक्शन उस वक्त इतनी नहीं थी. अब मेरी लड़कों से भी बहुत इंटरेक्शन है और बहुत हेल्पफुल है. हमारे जो मेंस क्रिकेट में जो लड़के हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी बात बताते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करो. पर इनिशियली क्योंकि वुमेंस क्रिकेट बिल्कुल स्टार्ट थी तो बिल्कुल अलग अलग रखा गया था, तो उसमें इनिशियली हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा, बहुत टफ था. तो फिर हम एक दूसरे के फ्रेंड्स बहुत क्लोज हो गए. उसमें फ़ायदा ये हुआ कि फिर हम एक दूसरे से बहुत क्लोज हो गए, हमारी जेल बहुत अच्छे थे आपस में, और बस फिर एक दूसरे की सहारा बन के इनिशियली करते रहे. अब हर एक के अपने अपने मेंटर्स भी हैं, कुछ ना कुछ लोग मिल गए हैं जो आपको गाइड करते हैं थ्रू लाइफ. क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करती हो, पर्सनल जो अटैक होता है? पर्सनल अटैक एक तो ये होता है कि मैं टीवी और सोशल मीडिया देखना बंद कर देती हूँ, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि मतलब लोग, आपको पता चल जाता है कि अब दिस इज़ नॉट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, दिस इज़ नाउ जस्ट बीइंग पर्सनल. तो मेरी कोशिश ये होती है कि उस पर रिएक्ट ना करूँ, कोशिश ये होती है कि रिफ्लेक्ट करूँ कहाँ पर कितनी हद तक चीज़ ठीक है जिसको मुझे अपने आप अपने अंदर बेहतर करना, और उसके अलावा जो है वो फिर उनका फेल है, फिर वो लोग जो करना चाहें वो कर सकते हैं. फिर आपका कंट्रोल तो नहीं होता उस चीज़ के ऊपर, फिर सब्र कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं. क्योंकि एट टाइम्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हीरोज़ बनाने का कॉन्सेप्ट बहुत कम है. हम अभी भी स्ट्रगल करते हैं लोगों को उस वो वाले रिस्पेक्ट देने पर, अपने लोगों को कि जो हम दे सकें. पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा मिली है, बहुत मेजॉरिटी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड. कहाँ खड़ी हो आज? आज तो आपके स्टूडियो में हूँ. नहीं, बट एज अ प्लेयर कैप्टनसी भी तो कर ली, तो अब कहाँ, अब जो मेरी बात हुई है पीसीबी से भी. हाँ. मैं स्टेप डाउन किया था वर्ल्ड कप के बाद आके कैप्टनसी से. तो मेरी यही बात हुई थी कि अगेन एज अ लीडर जब मैं भी आई थी तो बहुत सी चीज़ें थी जो मैं एज अ कैप्टन गलतियाँ हुई जो मुझे सीखने में टाइम लगा. तो मेरी कोशिश ये है कि जो नेक्स्ट कैप्टन है उसको जितना सपोर्ट कर सकती हूँ ट्रांजिशनल पीरियड में, बिकॉज अभी उसकी कैप्टनसी नहीं है, बिस्मा हमारी नई कैप्टन है. तो अपने होते हुए जितने अरसा मेरा खेलने में रहता है उसमें जितना मैं सपोर्ट कर सकूँ टीम को और सेटल करके फिर इंशाल्लाह
अपनी क्रिकेट अच्छा होता है. एक दफ़ा कैप्टनसी की है, लीड किया है टीम को, फिर वापस एज अ प्लेयर जब इंसान जाता है, इज इट द ट्रांजिशन ईजी होता है या डिफिकल्ट होता है? नो, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. इट्स नॉट ईजी, बट आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर यू पर्सनली बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी. आपको एक आदत हो जाती है हर वक्त ऑर्डर्स देने की, तो आपको आदत होनी चाहिए ऑर्डर्स लेने की भी. तो एज अ मेरे ख्याल से ह्यूमन बीइंग इट ग्रूम्स यू अ लॉट. मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है क्योंकि हम एट टाइम्स अपने कम्फर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी की हर चीज़ करना चाहते हैं, पर एट टाइम्स वो आपके लिए पर्सनली इट्स ट्रांसफॉर्मिंग यू टू नॉट अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. तो मेरे ख्याल से मेरे लिए ये एक अच्छा फेज़ है कि इसको भी मैं एक्सपीरियंस करूँ, और मैं इसको इसी तरीके से देख रही हूँ कि अब इसमें ह्यूमिलिटी भी आप अपने अंदर ला सकते हो. और माशाल्लाह टीम भी बहुत अच्छी है, नई कैप्टन बहुत रिस्पेक्टफुल है, कोच बहुत सपोर्ट करता है, तो उस लिहाज से मुझे एज सच कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ी. इनपुट दे सकते हैं. सबसे मुश्किल वक्त कब था? सबसे मुश्किल वक्त मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप काफ़ी टफ था जो अभी गुजरा है, बिकॉज ऑफ द ओवरऑल इन्वायरमेंट विद इन द टीम, मैनेजमेंट के साथ मुश्किल थी काफ़ी, और पूरा एक साल पिछला काफ़ी टफ था. और उसके अलावा मेरे ख्याल से एक 2013 का वर्ल्ड कप जब हम इंडिया गए थे और थ्रेट्स थे, टीम अंदर थ्रेट थी शिवसेना वालों ने, तो पूरा वर्ल्ड कप हम लोगों का जो लीग थी वो उधर मूव हो गई थी कटक में, तो वो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस बहुत टेंस था, काफ़ी टफ था. उस वक्त लड़कियों को मोटिवेटेड रखना, उनको स्ट्रांग रखना, फिर वापस आके क्रिटिसिज्म को भी फेस करना, किसी को नहीं पता था कि उधर हम कितनी टफ मतलब मेंटली लड़कियां कितनी प्रेशर में थी, पर वो भी एक टाइम काफ़ी टफ था. और फिर ये पिछला एक साल भी काफ़ी टफ था. क्योंकि आप एक बहुत मुश्किल काम कर रहे हो, आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ लोग नहीं जाते, लड़कियाँ नहीं जाती, लड़कियाँ नहीं खेलती, और माशा भी यही कहता है कि लड़कियाँ नहीं खेलती, लड़कियाँ लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ होम मेकर्स हैं. तो जब लड़कियाँ कोई नई चीज़ करती हैं इसमें बहुत तो, अच्छी तो बात है, बहुत सारी चीज़ें उनके खिलाफ भी जाती हैं, उनके फेवर में भी जाती हैं. असल में हम लोग इनसिक्योर हो जाते हैं बहुत जल्दी. अब हमारी 5 लड़कियां जो सीनियर प्लेयर्स थी, जो 10-10 साल पाकिस्तान को सर्व कर चुकी हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, वो अपने घरों में सेटल्ड हैं, खुश हैं माशाल्लाह, तो दे आर नाउ बिकमिंग होम मेकर्स एज वेल. तो इट्स नॉट के अगर आप क्रिकेट में आ जाएंगे तो बस फिर आप घर वालों से हाथ धो के बैठ जाएंगे. आप क्या चाहते हो हमसे जो क्रिकेट देखते हैं, या जो अखबार में लिखते हैं, जो मीडिया के लोग हैं, या जो घर में बैठ के क्रिकेट देखते हैं, आप क्या चाहते हो हमसे कि जो हम शायद नहीं कर पा रहे हैं? जो हम मेल क्रिकेटर्स के साथ तो हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं और हम उनको शाबाश बड़ी आसानी से. तो मैं इवन मेल क्रिकेटर्स के लिए भी कहूँगी, फीमेल क्रिकेटर्स के लिए भी कहूँगी, स्टार्स ओवरऑल के लिए कहूँगी कि पहले तो एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना चाहिए हर इंसान को, उसका स्ट्रगल. हम लोगों का मसला ये है कि एज अ सोसाइटी हम लोग, नेशन जिस तरफ डिवेलप हुई है, हम लोग रिजल्ट को, कोई स्टार बना है या नहीं बना, हम सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट, और बहुत जल्दी नीचे खींच लेते हैं. तो उसी के हिसाब से हमारी ट्रीटमेंट होती है. अगर कोई मूवी हिट हो गई है तो बहुत ज़्यादा उसको सेलिब्रेट कर लें, या कोई टूर्नामेंट जीत गए तो उसको बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कोई हार जाता है तो बस फिर हम हाथ धो के बैठ जाते हैं कि यार ये तो है ही ऐसा. तो मेरे नज़दीक हमें प्रोसेस को ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए, उस बंदे की स्ट्रगल को देखना चाहिए, और उसकी हिम्मत को, उसकी हिम्मत को देखना चाहिए. किसी ने हिम्मत की ना, असल चीज़ तो ये है. एग्जैक्टली. तो इसका ये नहीं होता कि आप कि इवन डॉक्टर बनने में भी हिम्मत चाहिए, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, और उसमें हर चीज़ उसमें आप सक्सेसफुल हों या ना हों इसके ऊपर मत देखें, आप सिर्फ उस बंदे की एफर्ट को अप्रिशिएट कर सकें और लगातार मेहनत करें कि वो बंदा रोज उठ के मेहनत कर रहा है. तो अगर हम इस तरफ अपना फोकस ले आए, अपना लेंस इस तरफ ले आए, हम सिर्फ लोगों को जो अकम्पलिश लोग होंगे उनके अलावा उन लोगों को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दें जो कि एफर्ट करें, मेरे ख्याल से ये हमारे मीडिया में, हमारी ओवरऑल जनरली इस परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ स्टार्स को ही, या जिसका अच्छा टाइम गुजरा है, सिर्फ उसी को अप्रिशिएट ना करें, जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, जो हिम्मत से अभी भी जद्दोजहद कर रहा है, उसको भी हमें सेलिब्रेट करें. फ्यूचर में क्या देखती है सना, कहाँ होगी? मैं अगेन आपको कह रही हूँ, मैं बहुत लंबा नहीं सोचती. कुछ तो सोचा होगा ना कि अकेडमी बनाऊँगी, एबटाबाद में जाऊँगी, मैं रिटर्न करूँगी, मैं वो सब कुछ कर डालूँगी जो मुश्किल मुझे पेश आई थी वो औरों को ना आएं. जी, और अभी तो है ना कुछ इस तरह की चीज़ें, अब उससे बात की है इस बारे में? जी, 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी साथ साथ कर रहे हैं. एक तो मैं ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए एम्बेसडर हूँ शौकत खानम की, वो तो हो रहा है. फिर एबटाबाद में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो अर्थक्वेक के बाद हेल्पिंग हैंड्स वालों ने बनाया था, तो उसकी थोड़ी सी फंड रेजिंग एट टाइम्स मैं कभी कभी उनके लिए कोशिश करती हूँ कि जो हो सके.
उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, क्योंकि अब्दाबाद में जब अर्थक्वेक्स आए थे मुजफ्फराबाद और बालाकोट का एरिया जो था बहुत डेविस्टेट हो गया, उसमें फिर आसपास कोई भी रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है अभी तक, तो बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे आते हैं और उनके पास रहने की जगह नहीं, और फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो एक सेशन के से नहीं ठीक होता, तो उनको अभी अकोमोडेशन चाहिए, तो उनके लिए थोड़े से फंड्स की ज़रूरत है। अच्छा, इस टाइप की काम है। और फिर अभी कोशिश यही कर रही हूँ कि वुमेंस क्रिकेट को डेवलप करना भी, उसके लिए वो भी सारा वक्त एक प्रोजेक्ट ही होता है जिसको आपने उसके ऊपर काम करना है। और अभी जो रिसेंटली 2014 से मैं एक चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ और होपफुली आपके प्रोग्राम के थ्रू भी आवाज़ आगे पहुँचेगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन इन स्पोर्ट्स। उसमें ये है कि हम लोग ये इंडस्ट्री ऐसी है क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की कि अंडर 18 ही आप बच्चों को लेते हैं तब वो इंटरनेशनल अच्छे एथलीट्स बनते हैं, तो उसमें जो हैंडलिंग है हमारी वो इतनी बहुत काफ़ी क्रूड है, क्योंकि जो हमारे कोचेज हैं या हमारे मैनेजर्स हैं या डिफरेंट स्पोर्ट्स के लोग हैं वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली इस फील्ड में एजुकेटेड लोग नहीं आते, तो जो चाइल्ड हैंडलिंग है वो हमारी अभी क्रूड है, हमें उसको इम्प्रूव करना है, हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज लाने हैं ताकि जैसे ये जैनब बच्ची का वाकया हुआ है इस तरह के वाकये ना हों, क्योंकि जिस बंदे ने उसके साथ ये ज्यादती की है आई एम 90% श्योर उसके साथ भी बचपन में ऐसा कुछ हुआ होगा, आई एम नॉट एक्सक्यूजिंग हिम, पर हमें वी हैव टू प्रिवेंट इट रादर देन फाइंडिंग मतलब क्योर अब क्या है, हम वी हैव टू प्रिवेंट इट फर्स्ट कि हम अपने बच्चों को एक सेफ इन्वायरमेंट दें, लड़के हों या लड़कियाँ हों उनको हम अब्यूज से बचा सकें। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर मैंने PCB के अंदर तो काम किया, एक बच्ची थी मुल्तान से, उसका केस आया था, बाद में उसका सुसाइड हो गया, काफ़ी तकलीफ दे था हम लोगों के लिए, मैं कभी मिली नहीं थी उस बच्ची से, क्रिकेटर थी 17 साल की, और उसकी कोई हरासमेंट केसेस उसको सीधा मीडिया पे ले गए, वहाँ पे मीडिया की एक इमरान खान जर्नलिस्ट हैं उन्होंने 17 साल की बच्चियों को सेक्चुअल हरासमेंट के शो पे बिठा दिया लाइव। तो मतलब इस तरह की रेटिंग्स के लिए हम एट टाइम्स काम कर देते हैं मीडिया वाले भी, कि उन्होंने ये नहीं देखा ये कितना मतलब ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, या उनके पेरेंट्स ही कंसेंट हो वो आए, तो बच्ची पे इतना प्रेशर आया उसके बाद कि शी कमिटेड सुसाइड। तो उसके बाद से मेरी कोशिश है कि जितनी बच्चियों को मैं अवेयरनेस खुद दे सकूं अपने ओन पे PCB के प्लेटफॉर्म से, PCB में भी हमने 2-3 साल लगा के लम्स के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम करें, पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में नहीं आया, तो इसको मैं तो चाहूँगी कि सारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए भी इसको मैंडेटरी कर लें, क्योंकि इंग्लैंड में कोई भी कोच कोचिंग कंटिन्यू नहीं कर सकता अगर वो हर 2 साल के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्स को रिन्यू नहीं करता, तो अगर वो रिन्यू नहीं करेगा उसका लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर किसी का कोई कोर्स का कोई सोच भी नहीं है कि हमने कोई कोर्स करना है या हमने बच्चों को कैसे ट्रीट करना, तो ये एक कॉज है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रही हूँ। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, और ये बहुत डिमांडिंग है, बहुत भी चाहती है, और ये कांस्टेंट आपने इसके पीछे भी रहना, पीछे रहना, तो दोनों वुमेन्स फॉलोअप करे बगैर, तो ये कुछ कभी वुमेन्स क्रिकेट भी ऐसा ही था कि इसको भी आपको फॉलोअप रखना था, क्योंकि जहाँ हमारी तरफ से वो जोर खत्म होता तो फिर लोग इतना उनको लिए मैटर नहीं करता कि कोई खेल रहा है या नहीं खेल रहा, तो ये भी काफ़ी मेरी टाइम कंज्यूमिंग था, इसीलिए मैंने कहा इश्क जो था वो मोहब्बत जो थी वो क्रिकेट से ही हो गई थी। हाँ। और उसके बाद अब ये नया जो एक चीज़ है जो पिछले 3-4 साल से मेरी कोशिश है कि हम इसको स्पोर्ट्स में ले आएँ, ताकि बच्चे खाली ये नहीं, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, बच्चियाँ भी पूछती हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स इजाज़त ना दें क्रिकेट खेलने की तो हम क्या करें, तो मैं उनसे हमेशा ही कहती हूँ कि फिर आप अपने पेरेंट्स की बात मानें, क्योंकि अगर ये बात एक फेमिनिस्ट या एक हार्डकोर उसके लिए बड़ी अजीब सी बात है कि यार खुद तो क्रिकेट खेल रही है और ऐसी बात कर रही है, लेकिन उसका मसला उसके पीछे विजडम ये है कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स नहीं, हमारे पास उन बच्चियों को केटर करने के लिए अच्छी जगह मौजूद नहीं, तो अगर आप उन बच्चों को अपने माँ बाप से भी दूर कर देंगे और उनके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आता है जो कि सही नहीं है, तो वो अपने माँ बाप को भी जाके नहीं बता सकते, तो फिर दे आर वेरी वनरेबल। So first we need to create safe environment for them and then we have to call them out ki haan ji aap pure zor o shor se aap log aa jaye, to mere main pehla mera I think ye safe environment jo hai ye hame har cheez mein chahiye, har cheez mein, kyunki jis tarah maasha hamara is waqt disturbed hai aur wo safe nahi hai, kyunki hum I think we need it in medicine, exactly, in any place, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो मेडिसिन मतलब डॉक्टर्स हों या हॉस्पिटल्स हों, फॉर ऑल चाइल्ड हैंडलर्स, यस, फॉर ऑल चाइल्ड, मैं क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स है तो मैं अपनी एक्सपर्टीज के साथ ही लेना चाहूँगी, पर
इट शुड बी इवन स्कूल्स, ऑर्फनेजेस, ऑर्फनेजेस में आप जा सकते हैं इसको लेके, आप स्कूल्स में जा सकते हैं, आप जैसे आप कह रही नर्सिंग डॉक्टर्स, उन्होंने भी बच्चों को ट्रीट करना होता है. अभी यूएस का इतना बड़ा स्कैंडल आया, 100 जिमनास्ट ने एक यूएस डॉक्टर के ऊपर बताया कि उसने ही वॉज हरासिंग देम फॉर सो लॉन्ग, लाइक 10 ईयर्स. तो उन बच्चों को उस वक्त सेंस नहीं थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो 6-7 साल उम्र से उन डॉक्टर्स के साथ थी. तो ये बच्चों को नहीं पता होता, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता ये क्या हो रहा है. इवन बच्चों को भी नहीं पता होता, उसमें बच्चे भी हैं उस 100 जिमनास्ट में, और बड़े भी हैं, उनको भी नहीं पता होता. तो उसमें ये कि इसलिए मेरे लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अगर हम सेंसिबल काम इंडिविजुअल्स नहीं बन सकते. पीयर प्रेशर होता है ना, बड़ी उम्र के शख्स का एक प्रेशर होता है. He is in the position of power and authority. Position of power, बिल्कुल. So, तो हमारे हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि अगर बच्चे अगर कोई ऐसी चीज़ लेके आए तो उनको कैसे रिएक्ट करना है. अगर वो एकदम से डांटेंगे या गुस्सा हो जाएंगे तो फिर बच्चा अपनी बात नहीं बता. और अगर ब्लेम करेंगे, ये भी हो जाता है, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या, तुम्हारी जरूरत, तुम बाहर गई क्यों, या तुम बाहर गई क्यों, तुम वहाँ गई क्यों. तो मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको अभी हमें मतलब काम तो बहुत करना है, बहुत करना है. मतलब पाकिस्तान में मुझे इसलिए अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है मैं पाकिस्तान में ही रहूँ हमेशा, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है काम करने की. मतलब बाहर की सोसाइटीज़ में बहुत सा काम हो चुका है, तो वहाँ पे आप यू कैन नॉट इम्पैक्ट लाइव्स. यहाँ पर एक्चुअली अगर आप सच्ची नीयत से कोई काम करेंगे तो आप बहुत से लोगों की लाइफ को टच कर सकते हैं. वहाँ से ये बहुत हमारे पास, हम पाकिस्तानियों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें अवेल करना चाहिए. फिर तो एक ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए ना जो जो और स्ट्रेंथ दे और इसी तरह की सोच वाला हो. वो अल्लाह ताला ढूंढेंगे इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है. आसमानों पे जोड़े बनते हैं, तैयार है कोई जोड़ा, ठीक है जी, है ना, देयर इज समबडी रेडी. अच्छा, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? आई थिंक गिविंग हैप्पीनेस, ब्रिंगिंग ग्लोरी लाइक टू द कंट्री, टू माय पेरेंट्स. व्हेन माय पेरेंट्स फील प्राउड, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. व्हेन आई सी पीपल ग्रो अंडर मी, जैसे मेरी कोलीग्स हैं, हम लोग 2014 में 8 ICC की टॉप 20 रैंकिंग में थे. दैट वाज द आई थिंक प्राइम मार्क ऑफ माय कैप्टनसी, के दैट वाज द पीक. गोल्ड मेडल जीता, ठीक है वो भी अच्छा था, वो टीम था, पर जब आप इंडिविजुअल्स को ग्रो होता देखते हैं तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी सैटिस्फाइंग. एंड व्हाट मेक्स यू सैड? इनजस्टिस, जैसे ये जैनब का केस है, और जब हम देखते हैं कि हम लोगों के इर्द गिर्द लोग इतने केयरलेस हैं और इतने सुकून से अपनी जगहों पर बैठे हैं जबकि इतना कुछ हमारे माशरे में हो रहा है, तो इट रियली मेक्स मी सैड. हाउ विल यू चेंज इट? हाउ? आई थिंक द ओनली पर्सन वी कैन चेंज इज आवरसेल्फ्स, दैट्स द ओनली थिंग. आई थिंक हम बहुत बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं होएगा. जो मैं कर सकती हूँ मुझे उसके ऊपर फोकस करना है, और मैं वही कोशिश कर रही हूँ करने की, चाहे वो क्रिकेट खेलना था, वो कैप्टनसी करना था, या अब आगे भी है. कि मेरा फोकस अगर इस पे रहता है कि मैं क्या कर सकती हूँ. आई फाउंड अ स्पिरिचुअल टीचर इन शाबानो आलियानी, एंड आई थिंक उन्होंने भी बहुत मुझे हेल्प किया पिछले एक साल में, क्योंकि जब बहुत टफ था, तो उसमें फिर सारा फोकस यहीं पर आ जाता है कि मैं इस वक्त बेहतर क्या कर सकती हूँ. क्योंकि हम अपने हिस्से की क्षमा जला लो. हाँ जी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग एज पाकिस्तानी थोड़ा सा हमारा भी कसूर है कि हम विक्टिम अप्रोच में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, हम विक्टिम माइंडसेट में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं. गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, फलाना ये नहीं कर रहा, फलाना ये नहीं कर रहा. वो बातें हम 20 साल भी कर सकते हैं, पर उससे कुछ होगा नहीं. होगा तभी जब हम लोग अपने हिस्से की मेहनत करेंगे, अपने हिस्से का जो हम कर सकते हैं हम वो करेंगे. तो मेरे ख्याल से दैट इज़ द प्लेस टू स्टार्ट, और इंशाल्लाह जब हम करना शुरू कर देंगे, हमें आदत हो जाएगी अपने हिस्से का काम करने की, तो ऑटोमेटिकली. डू यू रिग्रेट एनीथिंग? रिग्रेट अबाउट लाइफ, अबाउट योरसेल्फ, अबाउट द डिसीजंस यू मेड? कोई रिग्रेट है? अ कपल ऑफ थिंग्स आर देयर वेयर आई हैव नॉट लर्नड द लेसन. अभी तक वो मुझे हर्ट करती हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, पर मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ मैं कहूँगी कि ऐसी ही है कि मुझे समझ आ गई कि ये जो हुआ तो ये इस वजह से हुआ, तो फिर इसलिए रिग्रेट एज सच रहा नहीं. तो अगर अब मिस्टेक को आप समझ लें तो मेरे हाथ से रिग्रेट्स नहीं रहते. तो मोस्टली मैं कहूँगी कि आई डोंट हैव एनी रिग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम क्वाइट हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव बीन. जिंदगी क्या है? जिंदगी एक मिस्ट्री है. इट्स अ बिग मिस्ट्री. यू थिंक समथिंग एल्स एंड इट टेक्स यू समवेयर एल्स. सो ऑल यू कैन डू इज एंजॉय. उसको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो फिर बहुत टफ हो जाता है.
वहाँ से एक मिस्ट्री है और उसको उसी तरीके से देखना चाहिए कि बहुत से अगर हम लोग प्लान्स कर लेते फिर हम हर्ट होते हैं कि ये प्लान किया था ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उसको एक मिस्ट्री क्यूरियोसिटी की नज़र से देखना चाहिए. और मौत क्या है? रियलिटी, इट्स रियलिटी, एवरी वन हैज़ टू डाई, सो इट्स द बिगेस्ट रियलिटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ, इसी तरह हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, मे यू फाइंड द राइट पार्टनर. Thank you. Who can take, you can stand with you and walk with you, and you both can make the change that you want to make. Thank you so much. सना को मोहब्बत हुई? क्रिकेट से, क्रिकेट से ही रही है मोहब्बत, और अपने मुल्क से बहुत रही है. छेड़ देना, किसी की चीज़ें छुपा देना. डॉल से खेलना इंटरेस्टेड नहीं थी, फिर साइकिलिंग की उसमें इंटरेस्टेड थी. वो बैटिंग कर लेते थे, हमें कहते कि बॉलिंग कर लें, तो जो छोटे होते थे वो बात माननी पड़ती थी, तो बॉलिंग शुरू की उसको, तो वहाँ से बॉलर भी बना. बहुत दुख हुआ कभी? बहुत बहुत तकलीफ हुई जिससे मैंने क्रिकेट छोड़ी ना, उस दिन उनको तकलीफ थी बहुत, तो मेरे लिए भी ये तकलीफ दे लम्बा था कि जिस दिन मेरे बाप के लिए तकलीफ थी. तो सारों ने, भाई और अम्मी ने चीखें मारना शुरू कर दी. मैंने भी इधर से फूम पे उन्हें आवाज़ दी, तो अचानक कहते हैं कि हाँ. तो मैंने बोला अबू मैं आ रहा हूँ, आप एक दिन सब्र कर लें. कहते हैं तू आ जा. वो लास्ट वर्ड्स थे जो मैंने उनसे सुने थे.